जी का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां भूपेश बघेल सरकार के 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने कहा है कि रोक कैसे बंद किया जा सकता है और टीकाकरण को सरकार को तुरंत शुरू करना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अगले आदेश वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने बुधवार देर रात इसका आदेश जारी किया था। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से 45 वर्ष के वैक्सीनेशन स्थगित किए जाने पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार आज से ही वैक्सीनेशन शुरू करे। इनमें एक तिहाई अंत्योदय कार्ड धारकों को, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल को शामिल करे। केंद्र से हाईकोर्ट ने पूछा है कि इतनी कम वैक्सीन राज्य को क्यों मिल रही है, कितने अनुपात में मिलना चाहिए और कम क्यों मिला। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के वैक्सीनेशन में आरक्षण के खिलाफ अमित जोगी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। सरकार ने सबसे पहले सबसे गरीब तबके के वैक्सीनेशन का निर्णय लिया था। राशन कार्ड के हिसाब से सबसे आखिरी में सामान्य वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना था। हाईकोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन में आरक्षण नहीं हो सकता, संक्रमण किसी को भी हो सकता है, जीने का अधिकार सभी को है, वैकल्पिक व्यवस्था सरकार बनाए। इसके बाद राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन बंद कर दिया था। बताते चले कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है। न्यायालय ने विभाग के 30 अप्रैल के आदेश को संशोधित करने को कहा है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य शासन को पूरी जानकारी तैयार करने में समय लगने की संभावना है। ऐसे में यदि टीकाकरण जारी रखा गया तो यह न्यायालय की अवमानना होगी, इसलिए आदेश को संशोधन किए जाने तक टीकाकरण को स्थगित किया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे संवैधानिक अधिकारों के विपरीत बताया गया था।